नमस्कार, आपके साथ है आपके बच्चे की हिंदी अध्यापिका श्रीमती सुमन शर्मा। मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। आज दिनांक 13 अप्रैल 2020 दिन सोमवार और 10वीं कक्षा के लिए आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। तो बात करते हैं पत्र लेखन होता क्या है। पत्र लेखन की परिभाषा देख लेते हैं। वास्तव में पत्र लेखन किसे कहते हैं? इंग्लिश में जिसको आप लेटर राइटिंग कहते हो बेटा, हिंदी में उसको पत्र लेखन कहते हैं। तो पत्र लेखन की परिभाषा कुछ इस प्रकार बनती है, दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए और उन्हें अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं उसको पत्र कहते हैं। दोबारा देखिए, दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए कुशलता का समाचार देने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे पत्र कहते हैं। ना सिर्फ कुशल क्षेम पूछने के लिए अपितु अन्य कार्यों के लिए भी हम पत्र लिखते हैं। आजकल बेटा बातचीत करने के आधुनिक साधन आ गए हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स, इन सबसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है, जब हमारे पास फोन है, ईमेल है, फैक्स है, मोबाइल है, तो पत्र लिखना हम क्यों सीखे? क्यों जरूरी है पत्र लिखना सीखना? पत्र लेखन की जरूरत ही क्या है? तो बेटा यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, पत्र लेखन जो है वो महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु जरूरी भी है। कैसे? कई बार आपको एकदम छुट्टी करनी पड़ जाती है, स्कूल नहीं जा पाते, तबीयत खराब हो गई, कहीं एकदम से इमरजेंसी हो गई, जाना पड़ गया कहीं, तो आप क्या करते हो? तब आप क्या लिखते हो? बीमार पड़ गए तो सिक लीव की एप्लीकेशन लिखते हो, जरूरी काम है तो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एप्लीकेशन लिखते हो। तो वो क्या होता है, वो पत्री तो है। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हो, सरकारी व निजी संस्थानों के अधिकारियों को अपनी समस्याएं बताने के लिए, या अधिकारियों द्वारा कोई अच्छा काम हो गया है तो समाचार पत्र में छपवाने के लिए किसी संपादक को पत्र लिखते हो, आप उनको धन्यवाद देने के लिए पत्र लिखते हो। तो ये लेखन के द्वारा ही संभव है। बातचीत पर जो हमारी बातें जो होती है वो फोन पर जो हमारी बातचीत होती है वो अस्थायी होती है फोन पर। तो लिखित दस्तावेज जरूरी होते हैं, इसलिए पत्र लेखन जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, आपके बोर्ड के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन है बेटा जी, 5 मार्क्स का, तो आपको लिखना सीखना ही है। ना सिर्फ आपके आम जीवन में जरूरी है बल्कि आपके परीक्षा के लिए भी जरूरी है, तो सीखना तो पड़ेगा। तो ये आपका पत्र लेखन की परिभाषा थी। अब पत्र का महत्व क्या है बेटा, पत्र लेखन के एग्जाम्पल्स और कैसे लिखते हैं ये बताने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लेटर का क्या इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है पत्र का? जिस प्रकार चाबी जो ताले खोलती है, कुंजिया मतलब जिस प्रकार कुंजिया बॉक्स खोलती है, कुंजिया मतलब चाबी होती है, बॉक्स मतलब आप ताला कह सकते हो, कोई बक्सा कह सकते हो, है ना, उसी प्रकार पत्र जो है हमारे दिल के विभिन्न पटलों को खोल देते हैं। मनुष्य अपनी भावनाओं को स्वाभाविक रूप से पत्राचार द्वारा ही संभव बना पाता है, अभिव्यक्त कर पाते हैं। निश्चल भावों और विचारों का आदान प्रदान सिर्फ और सिर्फ, जी हाँ बच्चों, सिर्फ और सिर्फ पत्र से ही संभव है। फोन पर बातचीत करके आप वर्बली आप किसी को इतनी जल्दी अपने इमोशंस किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी को नहीं समझा सकते, लेकिन जब आप शांत स्वभाव से बैठते हो, लिखते हो, पेन कॉपी लेके बैठते हो लिखने के लिए, तो आप निश्चल भाव से लिखते हो और अपने इमोशंस सारे उसमें उड़ेल देते हो। तो पत्र लेखन का सामान्य व्यक्ति के जीवन में, सभी के जीवन में बहुत महत्व है, और ये 2 व्यक्तियों के बीच होता है। इसके द्वारा 2 हृदयों का संबंध मजबूत होता है, दोनों व्यक्ति एक दूसरे की भावनाएं समझते हैं। ये आपका पति पत्नी के बीच भी होता है पत्र लेखन, भाई बहन के बीच भी, पिता पुत्र के, दोस्तों के बीच भी, रिश्तेदारों के बीच भी, इससे संबंधों की नींव मजबूत होती है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन में या आम व्यक्ति के जीवन में पत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। अब महत्व है तो अब वो लिखना भी अच्छा पड़ता होगा, अच्छा ही लिखेंगे, है ना, अच्छा नहीं लिखोगे तो अपनी भावनाएं कैसे बताओगे। तो पत्र लिखने के लिए कुछ आवश्यक बातें जो हमें याद रखनी चाहिए, पत्र किसको लिखा जा रहा है उसके लिए उसके पद के अनुसार शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें,
पत्र को स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त करें पत्र में। पत्र की भाषा सरल और श्रेष्ठ हो। बेकार की बातें ना लिखकर उसमें मुख्य विषयों के बारे में ही लिखें पत्र में, ज्यादा उसको लेंदी ना करें। और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें पत्र लिखते समय। और प्राप्तकर्ता की, जिसको आप पत्र लिख रहे हो उससे आपका क्या रिलेशन है, क्या उसकी एज है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप भाषा का प्रयोग करें। और लेटर को बहुत लेंदी ना लिखें। आपका जो लेख है वो साफ सुथरा हो, वर्तनी बिल्कुल शुद्ध हो। वर्तनी शुद्ध हो में मात्राओं की गलती आप ना करें। और सबसे मेन बात, सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस, जो पत्र लिख रहा है और जो पत्र को प्राप्त करने वाला है उसका जो नाम पता है आपका, नाम और पता बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप लिखें। और पत्र के विषय से भटके नहीं, व्यर्थ की बातों का पत्र में उल्लेख ना करें। छोटा और अच्छा पत्र लिखें, ये बातें आप ध्यान रखें। और अब ये सब बातें होंगी तभी एक पत्र अच्छा पत्र कहलाएगा। तो अच्छे पत्र की विशेषता क्या होती है, उसकी भाषा शैली वो सरल होनी चाहिए, विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए उसमें, संक्षेप में लिखा हो वो, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और प्रभावान्वित होना चाहिए। अर्थात जब उसको जो पढ़ रहा है, पढ़ने वाले पे उसका अच्छा इफेक्ट पड़ना चाहिए, उससे इम्प्रेस होना चाहिए। आरंभ में, स्टार्टिंग में और एंड में नम्रता और सौहार्दता पूर्ण आपको उसमें भाव लिखने चाहिए, तभी आपका पत्र एक अच्छा पत्र कहलाएगा। अब बात आती है पत्रों के प्रकार कितने होते हैं। मुख्य रूप से पत्रों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है बेटा। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। एक अनौपचारिक पत्र होता है आपका और एक औपचारिक पत्र होता है। अब ये अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। मीन्स अपने किसी फ्रेंड को लिख रहे हो, पेरेंट्स को लिख रहे हो, अंकल को लिख रहे हो, आंटी को लिख रहे हो, रिश्तेदार को लिख रहे हो, ये सब अनौपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र आप किसी अधिकारी को लिख रहे हो, प्रधानाचार्य को लिख रहे हो विद्यालय के, किसी बड़े पदाधिकारी को लिख रहे हो, किसी व्यापारी को लिख रहे हो, ग्राहक को लिख रहे हो, संपादक को लिख रहे हो, पुस्तक विक्रेता को लिख रहे हो, ये सब आपके किस में आते हैं, औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अनौपचारिक पत्र, मतलब इनफॉर्मल लेटर, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, इनफॉर्मल लेटर बोलते हो। ये इसमें कौन से आते हैं अभी बताया, व्यक्तिगत पत्र आते हैं इसकी श्रेणी में। व्यक्तिगत पत्र क्या होते हैं, जिन व्यक्तिगत मामलों से संबंध है जिसका, ये किसी पारिवारिक सदस्य को लिख सकते हो, मित्रों को लिख सकते हो, किसी प्रियजन को लिख सकते हो। तो अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। इसमें इसके अतिरिक्त किसी किसी की डेथ हो गई, सुख दुख शेयर करने के लिए, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए, विदाई के लिए, या किसी को आप इन्विटेशन दे रहे हैं, निमंत्रण आदि के लिए भी ये पत्र लिखे जाते हैं। किसी को आप निमंत्रण दे रहे हो तो इसमें मन की भावनाओं को मुख्यतः प्रमुखता दी जाती है, औपचारिकता को नहीं। मतलब इसकी जो इसमें इनफॉर्मल होते हैं, आप पत्र लिखते समय अपने मन के भाव पूरी तरह से प्रकट करते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए बेटा, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, संबंध व आयु के अनुकूल संबोधन अभिवादन व पत्र की भाषा होनी चाहिए, पत्र में संक्षिप्तीकरण में होनी चाहिए, बात संक्षिप्त बात होनी चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत इम्प्रेसिव होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, वर्तनी का ध्यान रखें, लेख साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, और सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस जो है वो साफ और स्पष्ट लिखा हो। और आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो उसमें अपने नाम के स्थान पर क ख ग लिखें, पते के स्थान पर क ख ग और परीक्षा भवन लिखना आपको के लिए सही रहता है। परीक्षा जो सेंडर एड्रेस होता है उसकी जगह बेटा आप परीक्षा भवन लिखें तो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि जब आप सेंडर एड्रेस लिखते हैं प्रेषक का पता, तो कई बार लिखने में किसी मात्राओं की गलती कर देते हैं जहां पे मार्क्स कटने की संभावना होती है। तो ज्यादा बेटर है आपके लिए परीक्षा भवन लिखें। और लास्ट में जो आप भवदेह लिखते हो या आप जिसको भी लिख रहे हो, आपका पुत्र, आपका, या अनौपचारिक की बात हो रही है तो नीचे आप आपका भतीजा, आपका पुत्र, आपका बेटा, आपका पुत्र जो भी लिख रहे हो तो आप नाम या क ख ग लिख सकते हो, ठीक है। और अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर लिखें, पता एड्रेस के और डेट के,
दोनों के बाद एक पंक्ति छोड़ के तब आपको आगे लिखना चाहिए। आपको प्रारूप दे रखा है, फॉर्मेट दे रखा है, देखें इसको। सेंडर एड्रेस, फिर डेट। यहाँ पे सेंडर एड्रेस की जगह मैं आपको भी बता रही थी पीछे की, यहाँ पर आप परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं। संबोधन, अभिवादन, पहले अनुच्छेद में आप कुशल क्षेम पूछते हैं, दूसरे अनुच्छेद में जो टॉपिक लिया है आपने पत्र का उसको विस्तार से थोड़ा वर्णन करते हैं 4 से 5 लाइनों के पैराग्राफ में, और तीसरे अनुच्छेद में आप एंड करते हैं। जनरली आप छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्ते, आप पत्र के इंतजार में जो भी लिखते हैं इस तरह से आप लिखते हैं, और एंड में अपना नाम या क ख ग लिखते हैं अपना संबंध बताते हुए। एक उदाहरण उसमें कैसे आप अभिवादन व समाप्ति में कैसे कैसे आपको शब्द यूज करने होते हैं। बड़ों के लिए आप जैसे क्या यूज करेंगे, आदरणीय यूज कर सकते हैं, पूजनीय यूज कर सकते हैं, पूज्य, श्रद्धेय, मतलब श्रद्धा के योग्य, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, इस टाइप के यूज करते हैं। और समाप्ति में जो भी आपका उस रिलेशन है पत्र लिखना, से बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजा आदि आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप किसी छोटे को पत्र लिख रहे हैं समझाने के लिए, आप किसी को पत्र लिख, छोटी बहन को समय का महत्व समझाने के लिए, छात्रावास में रहने वाले भाई को पढ़ाई की तरफ ध्यान देने के लिए, सब कुछ लिखते हो, आप प्रिय लिखते हैं, चिरंजीव लिखते हैं, प्यारे लिखते हो, प्रिय मित्र लिखते हो, अगर अपने फ्रेंड्स को लिखते हो। और अभिवादन में आप कैसे उसको मधुर स्मृतियां, सदा खुश रहो, आशीर्वाद आदि इस तरह के शब्द लिखते हैं आप। समाप्ति में तुम्हारा अपना, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितेशी, तुम्हारा शुभचिंतक, इस तरह के आप एंडिंग में लिखते हैं। तो ये अनौपचारिक पत्र के बारे में मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो, कैसे एंडिंग करते हैं, कैसे स्टार्टिंग करते हैं, कहाँ पर एड्रेस लिखते हैं, किन किन लोगों को ये पत्र लिखा जाता है। ये एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, उदाहरण आप देख लें। ये चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। अब बात करते हैं औपचारिक पत्र की। औपचारिक पत्र के अंतर्गत बेटा रिक्वेस्ट लेटर, प्रार्थना पत्र जिसको आप एप्लीकेशन कहते हो, संपादकीय पत्र, कार्यालय पत्र और व्यापारी आदि को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। प्रार्थना पत्र क्या होता है, जिनमें पत्रों में निवेदन या प्रार्थना की जाती है। संपादकीय पत्र क्या होते हैं, किसी संपादक के नाम लिखे जाने वाले पत्रों को संपादकीय पत्र कहते हैं। इनके जो मुख्य विषय है, वस्तु जो होती है, वो जन सामान्य को लक्षित करके लिखी जाती है, आम आदमी को लक्ष्य करके लिखे जाते हैं। ऑफिशियल लेटर जो भी किसी भी ऑफिस के लिए, कार्यालयों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लिखे जाने वाले पत्रों को कहते हैं। व्यापारिक अथवा व्यावसायिक पत्र होते हैं, व्यवसाय में जब बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस लेटर इनको कहते हैं, सामान खरीदने बेचने, रुपयों के लेन देन के लिए जो भी पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। अब औपचारिक पत्र लिखते समय भी आपको ध्यान रखनी है कुछ बातें, जैसे ये कुछ नियमों में बंधे होते हैं, इन पत्रों को आप बहुत लंबा नहीं कर सकते, ना आवश्यक बातें कुशल क्षेम नहीं पूछते इन पत्रों में कि आप कैसे हो, ये सब नहीं पूछा जाता। इसमें सीधा जो नपितुली भाषा और नपितुली शब्दों का प्रयोग, सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। पत्र का आरंभ और अंत बहुत सुंदर होना चाहिए, भाषा सरल स्पष्ट, लेख सुंदर होना चाहिए। यदि आप परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन लिखेंगे अपने पते के स्थान पर और अपनी जगह नाम के स्थान पर। अभी आपको पहले ही बताया क ख ग लिख सकते हैं आप, अ ब स लिख सकते हैं, और सेंडर एड्रेस की जगह आप परीक्षा भवन लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के साथ मिलाकर आपको लिखना होता है, पृष्ठ के बाई ओर के साथ मिलाकर लिखते हैं, ठीक है। और पृष्ठ में, एक पृष्ठ में लिखने का प्रयास करना चाहिए, यानी ये लेटर जो है बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, लेंदे नहीं होने चाहिए। और अगर प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो आप प्रेषक के स्थान पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। तो ये औपचारिक पत्र लिखते इसमें कुछ बातें थी। इसके अब कितने अंग होते हैं, इसमें देखो सबसे पहले आप पदनाम तथा पता लिखते हो, विषय लिखते हो, संबोधन लिखते हो जिसको पत्र लिख रहे हो, महोदय, माननीय, आदरणीय, सम्माननीय, कुछ इस प्रकार से। अब इसके विषय वस्तु का आप 2 या 3 अनुच्छेदों में लिखते हो। पहले अनुच्छेद में अपनी समस्या के बारे में लिखते हैं, दूसरे अनुच्छेद में आप जो समस्या लिख रहे हैं उसके बारे में उसको बताते हैं विस्तार से 4 से 5 लाइनों में, और थर्ड अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद ले लेते हैं, या उसी अनुच्छेद में भी आप पूरा कर सकते हैं, धन्यवाद करते हैं। सपोज करिए आप किसी संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो आप उसमें थर्ड पैराग्राफ लिखते हैं, 2 से 3 लाइन का थर्ड पैराग्राफ लिखते हैं, लिख देंगे कि आप जो हमें समस्या, जो उपरोक्त समस्या पर ध्यान दें, और इसके लिए आप इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान कराएं, इसके लिए हम सभी क्षेत्रवासी आपके आभारी
रहेंगे। तो ऐसे आप धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त कर देते हैं, उसके बाद आप भवदेय या भवदया लिखते हैं और उसके नीचे अपना नाम लिखते हैं। अगेन क ख ग भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका प्रारूप क्या होता है। सेम सेंडर एड्रेस, प्रेषक का पता, दिनांक, पत्र प्राप्तकर्ता को जो उपपद नाम है उसका, किस अधिकारी को लिख रहे हो, सपोज आप जल बोर्ड अधिकारी को लिख रहे हो, स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हो, किसी मंत्री को लिख रहे हो, तो उस अधिकारी का जो पद का जो नाम होता है वो, ठीक है। उसके बाद रिसीवर एड्रेस, प्राप्तकर्ता का पता, फिर अपना विषय लिखते हो आप, सब्जेक्ट जो उसके बारे में आपको लिखना है, फिर सैल्यूटेशन, महोदय जो आप उसको जिससे आप उसको संबोधित कर रहे हो, महोदय, फिर अगेन पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, फिर अपना नाम या फिर क ख ग भ दे लिखने के बाद। इसके लिए देख लीजिए आप क्या क्या लिख सकते हैं, श्रीमान लिख सकते हैं, मान्यवर लिख सकते हैं, महोदय लिख सकते हैं। अभिवादन औपचारिक पत्रों में बेटा ध्यान देने की बात है, कोई अभिवादन नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल नहीं होते हैं हम, इनमें सिर्फ अपने काम की बातें लिखते हैं, अभिवादन नहीं लिखते हैं। एंड में भवदीय, भवदिया, निवेदक, निवेदिता या स्कूल प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आज्ञाकारिणी या आज्ञाकारी लिखते हैं आप। शुभचिंतक, प्रार्थनी या प्रार्थिया लिखते हो। इसका देख लेते हैं आपका उदाहरण, एक यहाँ पे एक उदाहरण आपको दिया गया है। विद्यालय में योग शिक्षा का महत्व बताते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, तो आप इसे पढ़ें और ऐसे ही और एग्जाम्पल भी आपको देखें, लिखने की कोशिश करें। अब बात करते हैं गृह कार्य की। अनौपचारिक पत्र देखे यहाँ हमने, औपचारिक पत्र देखे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कितना समझ में आया, जो आपको प्रारूप मतलब फॉर्मेट जो समझाया गया, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पत्र लिखते समय, ये जो आपको समझाया गया, कैसे पता चलेगा बेटा आपको समझ में आया या नहीं आया? तो जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे तो आपको पता नहीं चल सकता। तो कुछ अभ्यास के लिए आपको कुछ गृह कार्य यहाँ दिया जा रहा है, इसमें से कुछ औपचारिक पत्र है, कुछ अनौपचारिक पत्र है। अपने परिवार से दूर रहकर नौकरी कर रहे पिता का हालचाल जानने के लिए पत्र लिखिए। कौन सा लेटर है बेटा ये, कौन सा पत्र का कौन सा प्रकार है? ये है बेटा आपका अनौपचारिक पत्र। आपका मित्र विदेश में रह रहा है, ध्यान दीजिएगा परिवार को लिख रहे हैं आप यहाँ पर, इसलिए अनौपचारिक है। ये भी आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, इसलिए अनौपचारिक है। मित्र की कुशलक्षेम पूछने के लिए लिख रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर है ये, अनौपचारिक पत्र है। आपका मित्र विदेश में रह रहा है, अपने मित्र का कुशलक्षेम पूछ जानने के लिए उसे पत्र लिखिए। थर्ड आपका है अपनी छात्रावास की दिनचर्या एवं अपना कुशलक्षेम बताते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। फिर ध्यान देने की बात है यहाँ पे पत्र हम किसे लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं। अगेन ये भी अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण है। फिर आप अगले पे बात करते हैं, बहन की शादी का अवकाश, बहन की शादी पर अवकाश लेने के लिए आवेदन पत्र लिखे या प्रार्थना पत्र लिखे। तो बहन की शादी पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। तो ये एक एप्लीकेशन है, रिक्वेस्ट लेटर है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये फॉर्मल लेटर है आपका। अगला है आपका, बस में यात्रा करते हुए आपका एक बैग छूट गया था जिसमें जरूरी कागज और रुपए थे, उसे बस कंडक्टर ने आपके घर आकर लौटा दिया। उसकी प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के अध्यक्ष को, अब देखिए जो पदनाम पूछा गया था वहां परिवहन निगम के अध्यक्ष को, ये पदनाम है, को पत्र लिखिए। फॉर्मल लेटर है बेटा ये भी, औपचारिक पत्र। नेक्स्ट आपके, आपके नाम से प्रेषित 1000 रुपए के मनी ऑर्डर की प्राप्ति ना होने पर शिकायत पत्र अधीक्षक पोस्ट ऑफिस को लिखिए। पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक को आपको पत्र लिखना है। अगेन ये भी आपका क्या है, फॉर्मल लेटर है, यहाँ शिकायत पत्र है ये। तो ये आपका बेटा पत्र थे, कुछ आपको अभ्यास के लिए दिए गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो में जो फॉर्मेट समझाया गया है, उदाहरण दिए गए हैं, महत्व बताया गया पत्र का, पत्र लेखन क्या होता है ये बताया गया, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। और अच्छी तरह समझने के लिए आपको इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं आप एक ही बार ये वीडियो देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें, जिससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो ये आपका गृह कार्य था। और आपको और अधिक उदाहरण देखने हैं तो आप hindigrammar.in वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, पत्र लेखन से संबंधित और अधिक एग्जाम्पल आपको यहाँ मिलेंगे। तब नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।